नागपुर जिला परिषद की 58 और पंचायत समिति की 116 सीटों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया है। बेसा खापरी डोंगरगांव सर्कल के मतदाताओं में मतदान किया गया और इसे उन्होंने राष्ट्रीय उत्सव कहा है। आइए डालते एक नजर। पिछले एक माह से कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों का जमकर प्रचार प्रसार कार्यकर्ता द्वारा किया गया था। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने पदयात्रा निकालकर अब अपने तरीके से मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। कांग्रेस और बीजेपी के झंडे चुनाव में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट मंत्री सुनील केदार और भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनकी भव्य प्रचार सभा भी आयोजित की गई थी। प्रचार प्रसार थमते ही आज जिला परिषद की 58 व पंचायत समिति की 116 सीटों के लिए मतदान करने के लिए सुबह से ही मतदाता दिखाई दिए। सभा में शीतलहर होने से भले ही बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम दिखाई दे रही थी, किंतु जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे मतदाता मतदान का अधिकार स्याही की उंगली बताकर दिखा रहे थे। बेसा में 19 बूथ दिखाई दिए, जिनमें जिला परिषद के स्कूल बेसा में 5 बूथ, ग्राम पंचायत बेसा में 2 बूथ, रेणुका कॉलेज में 4 बूथ, बेल तरुणी में 7 बूथ और आंगनबाड़ी बेसा में 1 बूथ, ऐसे कुल मिलाकर 19 बूथ है। बेसा खापरी डोंगरगांव सर्कल के मतदाताओं की भी कुल संख्या सूत्रों के अनुसार तकरीबन 42,000 बताई गई है, तो बेसा में 17,550 मतदाता है। बेल तरोड़ी, घोगली, बेसा, डोंगरगांव सर्कल के मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने मतदान किया है।